दुनिया के बहुत बड़े इंजीनियरिंग चैलेंजेस में से एक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के कोने कोने में रेलवे का एक टोटल ट्रांसफॉर्मेटिव नेटवर्क बिछा रहे हैं, उसमें ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है कि चिनाब ब्रिज और बहुत सारी टनल्स जो कंप्लीशन के कगार पे है अभी और बहुत अच्छी जिसमें प्रोग्रेस हुई है, आज चिनाब ब्रिज की ट्रॉली रन हुआ और साथ ही साथ कई सारी टनल्स का इंस्पेक्शन हो रहा है, तो बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है। देखो 2014 से पहले इस इतने स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट के लिए 700-800 करोड़ होते थे, मोदी जी ने आते ही इस प्रोजेक्ट के लिए एलोकेशन डबल किया, फिर और बढ़ाया और इस तरह से आज की तारीख में करीब 6000 करोड़ का एलोकेशन होता है इस प्रोजेक्ट के लिए। इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत बड़े चैलेंजेस आए। जो ब्रिज है, आपने देखा दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है, टनल्स हैं, इन टनल्स को बनाने में बहुत डिफिकल्टीज आई क्योंकि हिमालय का जो ये माउंटेन है, ये माउंटेन बहुत ही यंग माउंटेन है। इस माउंटेन की जियोलॉजी इस तरह से रहती है कि सॉइल सॉफ्ट है, तो जब टनल बनाते हैं, अगर हार्ड ग्रेनाइट होता है तो टनल बनाना बहुत आसान होता है, जब सॉफ्ट सॉइल होती है तो उसमें टनल बनाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सारी डिफिकल्टीज को पार करते हुए ये प्रोजेक्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आशा है कि दिसंबर जनवरी में यहाँ पर ट्रेन दौड़ेगी और कल बड़गांव बारामूला वहाँ का भी इंस्पेक्शन करके आए। बड़गांव में वंदे भारत की मेंटेनेंस की फैसिलिटी क्रिएट हो रही है, तो श्रीनगर में भी बहुत जल्दी वंदे भारत आएगी। सर, टनल की बात आपने की, हमने कल भी देखा। We'll be right back.